हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विकी एंड आज की इस वीडियो में हम स्टिल लाइफ बनाना सीखेंगे कि कैसे हम कोई भी स्टिल लाइफ थिंग्स को उसका टेक्सचर दे सकते हैं। स्टिल लाइफ एक्चुअली हर वो थिंग्स होती है जिसमें लाइफ नहीं होती है, सो दैट यू कैन से नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे आप ये कुछ इमेजेस देख रहे हैं, ये सारी स्टिल लाइफ पोर्ट्रेट हैं। तो हम आगे के वीडियोस में ये सारी पोर्ट्रेट बनाना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में मैंने ग्रेस्केल टूल का यूज़ किया हुआ है। आपने अगर वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए कैसे हम ग्रेस्केल टूल को यूज कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर कंज्यूम कर लिया है कि मैं बी या एच बी पेंसिल यूज करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि मैं एच बी पेंसिल बहुत ही ग्रेजुअली लेवल से यूज कर रहा हूँ। स्टिल लाइफ पोर्ट्रेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। हर स्टिल लाइफ का अलग अलग टेक्सचर होता है। टेक्सचर देने के लिए हम कोई ब्रश या ब्लेंड स्टम्प या टिश्यू पेपर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैंने वो सारी चीज़ें यूज की तो वो टेक्सचर नहीं आएगा जो एक्चुअली होता है। यहाँ पर मैं पेंसिल को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यूज कर रहा हूँ अभी। तो ये मेरी फर्स्ट लेयर है, सो मुझे पहली ही लेयर में एक ही डायरेक्शन में यूज करना है। और पेंसिल को यूज कैसे करते हैं, क्या उसका पिवट पॉइंट कहाँ होता है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, मैंने शेडिंग टेक्निक बताया है। जहाँ पर भी स्पेस आपको दिखाई दे उसको फिल करने की कोशिश करें। मैं आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम अपनी पेंसिल को यूज कर रहे हैं। अगर कहीं भी डार्क कहीं भी लाइट हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने पिछली वीडियो में सर्कुलर स्ट्रोक करना बताया है, उसकी हेल्प से आप अपनी ब्लेंड को अपने स्मच को और भी बेटर कर सकते हैं। इस तरह की टेक्सचर देने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स ये होती है कि हम पेंसिल को कैसे ग्रिप करते हैं। यहां पर मैं एक ही डायरेक्शन में अपना पेंसिल स्ट्रोक दे रहा हूं अभी। तो यहाँ पर मैंने दूसरा डायरेक्शन ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉट है ना उसका टेक्सचर अलग है इस साइड। अब मुझे यहाँ पर डार्क करना है, सो मैंने 4B या 6B पेंसिल मैंने ले ली है।
ये हमारी टोबी पेंसिल है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अपनी पेंसिल स्ट्रोक देंगे। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करने के लिए 8B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। हमें अपनी पेंसिल को शार्प रखनी है।
यहाँ पर मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पर भी मुझे डार्क शेड देना है वहाँ पर मैं 8B या 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा। ये हमने अब 8B पेंसिल ली है क्योंकि पेंसिल पोर्ट्रेट में लाइट टू डार्क चलता है, तो पहले मैंने लाइट कर लिया 6B एंड देन 8B का यूज कर रहा हूँ। तो ये था हमारा स्टिल लाइफ का पार्ट 1 वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और आपको ये वीडियो लगा कैसे मुझे कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया स्टिल लाइफ बनाएंगे। सो कीप इट अप एंड डू प्रैक्टिस।